सिर्फ मोटिवेटेड कमीशन है, यह एक इसका क्या राजनीति मतलब है? से प्रेरित दंगी है। वही सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो कोर्ट के बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ आरोप लगाया था। तो मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। और मुझे वो याद दिलाता है जब लालू प्रसाद जी जब केंद्र में मंत्री थे तो कोथरा पर एक जांच कमेटी बैठाई गई जिसका निष्कर्ष पहले से ही तैयार था कि कारसेओ को नहीं आग लगाया था ट्रेन में, बाहर से किसी ने नहीं आग लगाया था। तो सबसे पहले तो कि इस कमीशन की विश्वसनीयता ही अपने आप में संदिग्ध है। तो क्या होगा निष्कर्ष? आप बता रहे हैं कि निष्कर्ष पहले से ही तय है। प्लीज 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 हस्तक्षेप मत कीजिएगा, प्लीज हमको अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद सवाल बोलिए बोलिए। दूसरी बात क्या केंद्र सरकार के खिलाफ किस प्रकार के जांच इंक्वायरी कमीशन की, जैसा कि नलिन कोहली जी ने भी किया, क्या ममता बनर्जी के दायरे में आता है क्या? ममता बनर्जी स्टेट सरकार के दायरे में आता है क्या? तीसरी बात, अभी तक किसी ने नहीं कहा है कि पेगासस की जो रिपोर्ट है उसके बारे में जो मीडिया संस्थानों ने जो छापा है वो अपने आप में संदेहास्पद है। उन्होंने कहा माइट बी, और ऐसी स्थिति में मैं क्या कह दू, एक अनुमान लगाइए, मैं कह दू राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर से चुप मिले थे जब डोकलाम हो रहा था, राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना से पैसा लेता है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्षता कौन चाइना के लिए जासूसी करते हैं, इसके बारे में एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी जानी चाहिए, देश में यह मांग शुरू हो जाए। क्या यह बिठा दी जाएगी? क्या ये अपने आप में संदेहास्पद नहीं है? 16-17 मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, एक सेकंड सर, संगीत जी सुनिए ना, 16-17 मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अगर सवालों के घेरे में है सरकार और जांच की मांग की जा रही है विपक्षी दलों की ओर से, तो दिक्कत क्या है? जांच होने की बात कम से कम एक स्पष्टता तो बनेगी। आप लोग सीधे आप खारिज कर रहे हैं जबकि उसी पर सबसे ज्यादा डिबेट करने आप लोग चले आते हैं, जिस पर संसद लगातार होती रही, जिसको लेकर विपक्ष हंगामा खड़ा करता रहा, आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। चित्रा जी आपने एक सीधा आरोप लगाया है, ऐसे जैसे कि आपके पास तथ्य हो, ऐसे जैसे आज तक के संगीत रागी जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि अगर लगातार संसद ठप हो रही है, विपक्ष हंगामा खड़ा कर रहा है 16-17 मीडिया रिपोर्ट से, तो जांच करा लीजिए। जांच कराने में क्या दिक्कत है? सुनिए ना संगीत रागी जी, आप इधर उधर की नहीं बात कीजिए, इधर उधर की नहीं, जांच से तो क्या दिक्कत होनी चाहिए? ठीक है, जांच पर बात करते हैं ना, जांच पर बात करते हैं। नलिन जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले रोहन गुप्ता जी, ठीक है सर, अब एक्टिविटी के ऊपर बताइए, मैं मीडिया रिपोर्ट जो छपी है उसे के आधार पर बातचीत कर रही हूँ, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहरी भी, ठीक है सर। अरे संगीत जी इतना व्याकुल होने की जरूरत नहीं है सर, प्लीज एक सेकंड मनोजीत मंडल, रोहन गुप्ता जी, फिर तो अगर आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की सराहना कर रहे हैं, ठीक है सर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रोहन गुप्ता जी अगर आप सराहना कर रहे हैं, तो वैसा भी कांग्रेस शासित राज्य में भी हो जाए, यानी कि लीड कांग्रेस पार्टी के भी ऊपर और अन्य विपक्षी दलों के ऊपर भी टीएमसी ने ही बना ली है ना, और आप लोग क्या अब टीएमसी के पीछे आकर खड़े हो गए हैं कि जो वो कर रही है पार्टी वही सब ठीक है? हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे, मैंने ये कहा कि जो काम केंद्र सरकार को बहुत पहले करना चाहिए वो आज एक राज्य सरकार कर रही है। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता पूरे अपनी उनका जो भी वक्तव्य रहा, मेरा एक सिंपल सवाल था कि क्या आपने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा या उसका यूज किया, उसका जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात, जो उनके जो संगीत रागी जी यहाँ पे जो बौखलाहट दिखाती है, मुझे ये समझ नहीं था जांच से ये लोग क्यों डरते हैं। और चित्रा जी, पूरा देश आपकी डिबेट देखता है, एक बहुत बड़ा शो है, सिंपल है, अगर कोई आदमी जांच से डरता है तो उसका मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं उनकी नियत में खोज है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जांच कर दीजिए, दूध का दूध और दूध का पानी, आपकी भी राज्य सरकारें जो भी अधिकार उनके पास हैं, क्या करवाएंगे जांच? क्या राजस्थान में